अवैध निर्माण की पुष्टि होने के बाद जीतू सोनी के घर और तीनों होटलों पर गुरुवार सुबह 6 बजे से एक साथ कार्यवाही प्रारंभ की गई है। गुरुवार सुबह 12 पोकलेन 300 निगम कर्मी 250 मजदूर और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में जीतू सोनी के अवैध निर्माण को तोड़ने का कार्य प्रारंभ हुआ। कार्यवाही के दौरान माई होम, O2 और वेस्टर्न होटल तक पहुंचने के सभी मार्ग बंद कर दिए गए थे। अवैध निर्माण तोड़ने की कार्यवाही अभी भी जारी है। कार्यवाही के लिए निगम ने 300 कर्मचारियों की टीम बनाई है, जिसे 4 अपर आयुक्त लीड कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार देर रात पुलिस ने सोनी के सभी होटल खाली करा लिए थे। टूकोगंज स्थित वेस्टर्न के गेस्ट को बाहर कर दिया गया था। पुलिस जीतू के बेटे अमित सोनी और मुक्त कराई गई सभी 67 युवतियों को 2 बसों में लेकर माई होम भी पहुंची। उसे भी देर रात तक खाली करा लिया गया। निगम ने अवैध निर्माण पर कार्यवाही के लिए बुधवार रात से ही पोकलेन जेसीबी डंपर पहुंचाना शुरू कर दिए थे। अवैध निर्माण को तोड़ने जाने का माहौल पुलिस और प्रशासन द्वारा 4 दिन से बनाया जा रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि गुरुवार को जब कार्यवाही प्रारंभ हुई तो उसका विरोध करने कोई भी नहीं आया। वैसे भी मामले में जुड़े हुए कई लोग फरार हैं। कुछ को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो गिरफ्तार नहीं है वे अंडरग्राउंड हो गए हैं। लोक स्वामी अखबार से जुड़े किसी व्यक्ति का विरोध भी नजर नहीं आया है। Thank you.
हाँ